हाँ, मेरा नाम है शकील सिद्दीकी और आज मैं आपका एंकर हूँ और सारी बातें मैं करूँगा। जी नहीं, इस शो की एंकर मैं हूँ। आपका टाइम बाद में आएगा, आप तब आइएगा। मैं एंकर हूँ, आज आप भयंकर हैं। वेरी फनी, जाइए वापस। ये शो मैं एंकर करती हूँ। तुमसे नहीं हो रहा अब। अच्छा, ये बात है। मैं एंकर हूँ और आपसे बातें करूंगा और जितने भी आर्टिस्ट उनको मैं बुलवाऊंगा। अच्छा, बुलाइए बुलाइए। चलो आप बात कर लो पहले। क्या बात करनी चाहती? नहीं नहीं, आप बोलिए ना। क्या बोला है तुमने? आप बोलिए ना। वाह। लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। कुछ नहीं बोल के भी सब कह दिया तुमने। सो फ्लैटरिंग। तो मैं क्या कह रही थी? आहा, तो क्या कह रही? अल्लाह। तो जो तुमने कहा है ना, किसी का बाप नहीं कह सकता। तो आहा। कितने अच्छे दांत हैं। दिल करता ब्रश बन जाऊं, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं। वैसे आपकी शक्ल काफी ब्रश से ही मिलती जुलती है। फिर क्या, मुंह में घुसूं? अब आप आहा, अब आप, वाह वाह। इस आपके साथ आप लगाना बड़ी बात है। है ना, है ना, अल्लाह है ना। आप एक काम करिए, आप है भी और नहीं भी, देखो कैसी बात है। है ना, वाह। हो गया, अब जाइए। क्या हंसी हो तुम? जब आपको क्या हंसी हो? क्या हंसी हो? ऐसा लग रहा पत्ती वाला पान खा के टुन हो गई हो। आप जब यहाँ पर करते हैं अपना स्टैंड अप, मैं आती हूँ बीच में। नहीं ना, कई दफा आई हो तुम? जी नहीं, वो आप मुझे खींच कर ले आते हैं, वो दूसरी बात है। मैं खुद तो नहीं आई ना। दिल तो करता है ना तुम्हारा आने को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ना कोई लागे देखा, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। मुझे खींच रहा, मुझे खींच रहा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा काम करिए, अब आप जाइए पीछे। मुझे हाथ ना लगाओ, मेरा सौदा हो गया, प्लीज। अब जाइए यहाँ से, मेरा शो है, मैं एंकर करूंगी। दफा होइए। दफा कोई बोल सकता है ऐसा? तो ये बात ही नहीं है। तीन चार दफा कहिए, दफा दफा दफा। एक मिनट, ये पकड़िया। मुझे क्यों पकड़ा रही हो? थक गई हो क्या? और मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो ये लो ये लो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये लो ये लो ये लो। तो जाइए यहाँ से, पहले पहले जाइए। तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? शो शुरू करने से पहले हम स्वागत करते हैं ढेर सारी तालियों के साथ उनका, जो सेव भुजिया सी नमकीन, दिल्ली की चाट जैसी चटपटी और पूरन पोली जैसी स्वीट है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली अर्चना पुरन सिंह। एंड नाउ बिफोर द मेन कोर्स ऑफ कॉमेडी इज सर्व्ड, मैं बुलाने जा रही हूँ अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ द इवनिंग, जो पिछले 45 साल से फिल्म इंडस्ट्री को अपना योगदान देते आ रहे हैं। स्वप्निल को अपनी एज का कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। डांस करते हैं तो ताल को, और गाना गाते हैं तो सुर को अपना दीवाना बनाते आ रहे हैं। कॉमेडी इनकी रोम रोम में बसती है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज नन अदर देन सचिन पिलगांवकर। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आपकी जिंदगी में कुछ तो कॉमिक बात होगी, सम सॉर्ट ऑफ कॉमेडी वाक्य जिसके बारे में आप हमें बताएं और हमें हंसाएं। जी, सबसे पहला वाक्य मेरे नजर में आता है, जहन में आता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमिक हो। जी, मैंने शादी की। और जैसे कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कॉमेडी आल्सो बिगिंस एट होम। एब्सोल्युटली। जी, और मेरे घर में तो मेरी जो शरीके हयात हैं, जो पत्नी है, उनको नींद में बोलने की बहुत आदत है। ओह। नींद में खाने की आदत है। शुक्र है नींद में मारने की आदत नहीं है। इसका ये भी मतलब है कि वो जागते हुए मारती हैं। अच्छा हाँ, तो गुड दैट यू एस्टैब्लिश दैट। Thank you so much. So please take your seat and enjoy the show. Sure. Thank you. कभी आपने दाल के साथ बिस्किट, चाय के साथ चावल और मंचूरियन के साथ मावा केक ट्राई किया है? I know आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी रेसिपीज मिक्स मैच करना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ सोच लिया है। खतरों से खेलने का शौक है हमें, और इसीलिए आज हमने कॉमेडी सर्कस की जोड़ियों के पार्टनर्स की अदला बदली कर दी है। जस्ट थिंक, अगर शकील उर्वशी की जगह अली के साथ होता,
उर्वशी शकील के बदले काशु के साथ होती तो इनकी कॉमेडी का क्या रंग होता? तो आज कौन सी जोड़ी ने किसके साथ अपने पार्टनर स्वॉप किए हैं, और क्या स्वॉप करने के बाद इनकी जोड़ी मटर पुलाव बनती है या फिर दाल और बिस्किट? दावतें खास हो और मैखाने में प्यास हो बहुत नाइंसाफी है, इसीलिए हमने एक खास न्योता दिया है देवदास को, और वो भी एक नहीं दो दो को। आ रहे हैं दो ऐसे कलाकार जिनकी एक्चुअल जोड़ियां हैं मेड फॉर ईच अदर। मैं बात कर रही हूँ VIP और अली की। तो देखते हैं अदला बदली करके ये टिक पाते हैं या फिर देवदास की तरह भटक जाते हैं। Put your hands together for Ali and VIP. So, so, sorry, 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 sorry. Che, 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 che. Ho, 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 ho. तुम मिल गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे भाई। तो तुम भी हमारे फैन हो? फैन नहीं भाई, फैन नहीं, बैंड करने के लिए ढूंढ रहे थे हम तुम्हें, बैंड करने के लिए। और एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कमजोर इंसान, ये तुम्हारी जो हकलाती हुई जुबान है ना, इससे मेरी पारो का नाम मत लेना भाई। पारो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी भाई, हमारी रहेगी। अगर पारो आपकी है तो आपके हाथ में ये देसी दारू की बोतल क्या कर रही है? किसके गम में फिरे आप? पारो तो सिर्फ मेरी है। पारो, ए भाई, पारो ये जरा नीचे रख दो भाई, ये रख दो, हमारा भी रख दो भाई। ओके, हम तो भाई गम में पी रहे हैं, तुम क्या खुशी में पी रहे हो? दुनिया जानती है कि 1950 के देवदास हम है और तुम 2002 के असली देवदास है हम। तू तो नकली है बे। अगर आप असली देवदास है तो तुमसे पहले जो मोतीलाल और KL सेगल जो देवदास बने थे वो क्या तुम्हारे दादा परदादा थे? ए भाई, जय इज्जत से इस धोती को पकड़ो, इज्जत से लगाम दो धोती को, नहीं जुबान को, जुबान को लगाम दो। तो ये मत भूलो कि हमारी नकल करके तुम रोटी कमा रहे हो, हमारी नकल करके। आई ऑब्जेक्ट, इस गलतफहमी में आप मत रहिए, मैं आपकी नकल नहीं करता हूँ, मैं तो पारो के ससुर की नकल करता हूँ। हाय, सही कहा भाई तुमने, वो गरीब किसान भी तो हमारी नकल करके रोटी कमा रहा है, सही कहा तुमने। बड़ी अफसोस की बात है भाई, इतनी अच्छी अदाकारी करने के बावजूद भी हम इतना नहीं कमा पाए जितने कि ये नकलची लोगों ने ऐड करके कमा लिया है। You are nothing but a bloody copycat. Don't call me cat, please. Don't call me cat. मुझे किंग सुनने की आदत है। सही कह रहे थे हम, ही इज नथिंग बट अ कॉपी किंग। अरे देवदास फिल्म में तुमसे ज्यादा शराबी तो मैं लग रहा था, तुम तो कुछ भी नहीं लग रहे थे। शीशे से शीशा टकराए, शीशे से शीशा टकराए। गलत कह रहे हो तुम, तुम्हारी शराबी की एक्टिंग बिल्कुल नकली थी, ऐसे लग रहा था जैसे पास्कल के हड्डे से तुम थर्रा भी करा रहे हो। एक बात समझ लो नामकुल इंसान, शराब पीने के बाद आदमी लड़खड़ाता है, हकलाता नहीं। अरे एक बात आप भी याद रखना, शराब पी के आदमी जो मुंह में आया वो बोलता है, तुम्हारी तरह 5 मिनट में एक डायलॉग नहीं बोलता, एक डायलॉग। गलत इल्जाम है ये हम पर, गलत इल्जाम। दलीप कुमार है हम, दलीप कुमार, हम पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, वक्त तो लगेगा ना भाई। वक्त तो लगेगा, तुम्हारी तरह ओंगे पोंगे हकले फकले एक्टर नहीं है कि जो मुंह में आया नाम शनाब बक दिए। तुम्हारी खबरदार, जो तुमने मेरे धोती को हाथ लगाई तो हमें तुम पर डाउट है, डाउट है हमें तुम पर। तुम धोती की बात कर रहे हो? धोती की बात?
अरे देवदास में तो तुमने ठीक से धोती भी नहीं पकड़ी भाई। हाँ, मेरी धोती पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है? है प्रॉब्लम। तुमने धोती ऐसी पकड़ रखी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम पारो से मिलने जा रहे हो या बैतुल खलक। किसकी खाला? खाला नहीं, संडास। संडास की बात कर रहे हम। वो तो हमारा धोती के साथ पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन आपने तो एक दर्जन फिल्मों में धोती पहनी है। अरे मुझसे पहले जितने भी देवदास आए ना, जितने भी देवदास आए, अरे सब गरीब दास लगते थे, गरीब दास। अरे उनसे तो पारो तो क्या, उनकी नौकरानी भी सट नहीं होगी। ए भाई, हकले भाई, ये जरा धोती पकड़ो, धोती पकड़ो। ये देखो भाई, ये गरीब, ये तो हकलाते हुए रोता है, इसका रोना भी हकलाते हुए होता है। और एक बात सुन लो, समझ लो, धोती वापस करो, धोती वापस करो, शक है हम पे तुम पर। उस जमाने में मीना कुमारी से लेकर की मधुबाला तक सब हम पे मरा करती थी। और उस जमाने की बात क्यों करे भाई, अभी की बात ले लो, अभी की बात ले लो। कौन है वो तुम्हारा, वो धनिया जीरा, क्या नाम है उसका? राय, राय, ऐश्वर्या राय। हाँ हाँ, वही जड़ी बूटी जो भी है वो। सुना है वो भी हमारे साथ काम करने के लिए मचल रही है। मचल रही है। अगर आप उनके साथ काम करेंगे ना, तो फिल्म का नाम देवदास नहीं बल्कि निःशब्द होगा। ए, रुक जा, ये तो मुझे गाली दे गया भाई, गाली दे गया। इसे कहते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। हे भाई शटर, खुद ब खुद नीचे हो जाओ, हम जा रहे हैं। एक मिनट, बोतल बोतल। एंड देखते हैं कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सचिन जी का क्या कहना है। मैं इस शो को बहुत ही रेगुलरली, रिलीजियसली देखता आया हूँ। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं एक सीनियर कलाकार होने के नाते या एक स्टूडेंट होने के नाते इस शो को और इसके सारे कलाकारों को, बनाने वालों को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एंड VIP, आप हमेशा ही अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं, और आज भी आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अली के कॉमेडी की शुरुआत जहाँ तक के मुझे याद है मेरे साथ हुई थी सर, और मुझे गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ, यू आर द बेस्ट। VIP, तुमसे तो ये उम्मीद हमेशा रहती है कि तुम एक बहुत बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट हो, तुम बहुत अच्छा करते हो हर किरदार जो भी तुम, जिसकी मिमिक्री करते हो। लेकिन अली, तुमसे तो मतलब उम्मीद नहीं है कि तुम मिमिक्री इतनी बढ़िया कर सकते, लेकिन जो तुमने यूसुफ साहब आज किए, थैंक यू। Well, तो हमारी पहली मिक्स एंड मैच जोड़ी ने तो मूड सेट कर दिया है। थैंक यू सो मच VIP, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अगली डिश है बड़ी लजीज, इंटरकॉन्टिनेंटल और देसी का है मिक्स। इस मिक्स मैच जोड़ी में एक तो है उर्वशी, जो अपने मकसद के लिए कहीं भी जोड़ी जमा लेती हैं, लेकिन जो उनके पार्टनर हैं उन्हें अबनॉर्मल चीज़ें करने का बड़ा शौक है। कभी लड़की बन जाते हैं तो कभी लड़कों पर डोरे डालते हैं। आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक लड़के का रोल कर रहे हैं, वो भी रांझे का, लेकिन इश्क हीर के साथ नहीं, ये इश्क फरमा रहे हैं रोमियो जूलियट की जूलियट के साथ। लेट्स सी फॉर द फर्स्ट टाइम उर्वशी पेज अप विद काशिफ खान फ्रॉम पाकिस्तान। तो शकील भाई, आपके तो घर में ही कॉम्पिटिशन हो गया है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उर्वशी एंड काशिफ। तू कौन है गोरी मेम?
हमारा नाम जूलियट है और हम तुम्हारे वास्ते लंच लेकर आया है। ओए तू तो रोमियो का केस है, तू इधर क्या कर रही है? हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोमियो ना किसी और के साथ डिनर पर चला गया है। ओए लेकिन ये हमारी हीर किधर रह गई? ओ योर हीर उसको गब्बर उठाकर ले गया है। तुम हीर के वास्ते दुखी है? ओए मैं हीर के वास्ते दुखी नहीं हूँ, मैं तो रोटी के वास्ते दुखी हूँ, भूखा मार दिया उसने। चलो दफा करो, लो लंच करो। ओए तू मेरे लिए नमकीन लस्सी लाई है? नहीं, लेकिन उसकी जगह मैं तुम्हारे लिए विस्की लाई हूँ। किसकी लाई है? किसकी नहीं, विस्की, विस्की। ओए ये तू किस शय का नाम ले रही है? ओफो, यू डोंट नो विस्की, विस्की में शराब। अच्छा ले फिर आज शराब भी पी ही लेंगे। क्या कह रहे हो, इसका मतलब तुमने इससे पहले कभी शराब नहीं पी? ओए हीर से छुप छुप के देसी बड़ी पी है, पर ये तो विलायती लग रही है। सुनो हम जूलियट है, जूलियट इंग्लैंड से आए हैं खास तुमसे मोहब्बत के वास्ते। ओए आपने खामखा इतनी तकलीफ की, मुझे मोबाइल कर देती मैं आप पे ही आ जाता। इस बहाने इंग्लैंड का वीजा ही लगा लेता। तू ऐसा कर, तू ना मुझे अपना खविंद बना ले। Really? पता है हमारे कंट्री में ना खाविंद भाई को बोलते हैं। ये बड़े बगैरत होते हो तुम गोरे। What rat होते, what rat? वो बगैरत। You know बगैरत? No. One man standing here and his sister gone with Chaudhary and he is not crying and he is happy. That's call this man to. Okay, forget it, forget it. नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी। अच्छा एक बात बता, तुम हमसे शादी बनाएगा? ओए इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? सच? तो फिर हीर को भूल जाओ। ओए अगर तू मुझे मिल गई ना तो मैं हीर तो क्या अपने घर वालों को भूल जाऊंगा। ओह माय गॉड, तो अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ। अभी खाता हूं। अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ। ओए चल फिर तेरी खातिर ये भी कर लेते हैं, मैं दिल पे हाथ रख के कसम खा। ओहो तुम्हारे तो फिटिंग पहले से ही खराब है, दिल इधर होता है। वो अच्छा वो बता दिया। तुम हमसे शादी बनाएगा ना? वो ऐसा बनाएगा, दो दो बार बनाएगा। एक वादा? पक्का वादा। प्रॉमिस? एकदम पक्का। अच्छा अच्छा तो सुन रांझे, मैं ही तेरी हीर हूँ। कब से बोले जा रहा है, कब से तेरा टेस्ट लिए जा रही हूँ मैं, और हर टेस्ट में तू फेल होता जा रहा है मुझसे। वो इतनी देर से टेस्ट ले रही थी, टेस्ट कर लेती उसे हमें पता लग जाता। नास पीते पिटते मुंह है, शराब पीता है, हीर से चुप चुप कर शराब पीता है, विलायती पीनी है तेको, विलायती। अच्छा बस माफ कर दे, वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था, मैंने कहा था खाला जात बहन है, पक्का तो नहीं कहता ना कि सगी बहन है, खाला की लड़की की बहन होती है। बहन और पीटेगा, और पीटेगा। अच्छा मैं तेरे साथ शादी बनाऊंगी? अच्छा बस करना, बस शादी नहीं बनाएगी, बस करना, हीर इतना मारेगी खीर बनाएगी क्या मेरी? तो है तो सचिन जी आपको ये अनोखा कॉम्बिनेशन कैसा लगा, जूलियट एंड रांझे का? सारे कॉम्बिनेशंस बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं और इस वजह से बहुत ही मज़ेदार हो रहे हैं, दिलचस्प हो रहे हैं और बहुत नए हो रहे हैं। आप दोनों को ढेर सारी तालियां मेरी तरफ से। पहली बार मैंने जूलियट को देखा है, एक एंग्लो इंडियन जूलियट। एक खाचा है, हम आचा है, ये खाचा है। बट काशिफ तो यू आर वेरी क्यूट एज रांझा, और तुमने बहुत क्यूटनेस के साथ ये रोल किया है। द होल आइटम वॉज वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। थैंक यू, जोरदार तालियां फॉर उर्वशी एंड काशिफ। थैंक यू सो मच ऑडियंस। हंसी से जिसको है परहेज वो हमें माफ करें, जिनको लाफ्टर ओवरडोज से इंडाइजेशन हो जाता है वो अपने इलाज की तैयारियां करें, क्योंकि द स्टेज इज गोइंग टू बी सेट ऑन फायर विद कॉमेडी तंदूर, क्योंकि आ रहे हैं कॉमेडी के मास्टर शेफ शकील एंड शकील। बस कर यार, पूरी रात बजाएगा क्या? अर्चना जी सलाम अलैकुम।
सचिन भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मैयत में आई हो। शुरू करते हैं। ये देखो गरीब देवदास। शुरू करते हैं। सत्यानाश जाए इस देश की लड़कियों का। अभी लड़की से झगड़ा करके आ रहा हूँ मैं, एक लड़की से झगड़ा करके आ रहा हूँ। छेड़ दिया मैंने उसको, डांट दिया मुझे, झगड़ा करने लगी मुझसे। मैंने कहा यार सत्यानाश तुम लोग तरक्की नहीं कर सकती। अमेरिका को देखो, एक लड़की को छेड़ो 10 आती हैं। मुझे छेड़ो, मुझे छेड़ो, वेलकम वेलकम, मुझे छेड़ो, $2 ओनली, मुझे छेड़ो। कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह माफ़ करे इस देश की लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। दफा हो जाओ, तुम नहीं, बड़े ही बदतमीज लोग हैं यार। अरे शकील भाई आप? अरे क्या हाल है शकील? मैं ठीक हूँ शकील, आप कैसे शकील? बड़े ही बदतमीज आदमी है भाई। क्या हुआ शकील भाई? मैंने कहा यार रफीक साहब कहाँ रहते हैं, कमीने ने गलत घर बता दिया। बताइए। मैं गया, मैंने कहा कोई घर में है, बाथरूम से आवाज आई, अंदर ही आ जाओ। मैं गया, कमीना नहा रहा, मैं चीख मार के बाहर आ गया। मुझे कह रहा आप देख लिया तो साबुन ही लगा दे। अरे बड़ा ही बदतमीज आदमी है यार, पूरे कपड़े उतार के नहा रहे। अरे तेरा सत्यानाश जाए, तुम्हारे यहाँ क्या 3-piece सूट बनाते हैं? अच्छा कपड़े उतारते हैं यार। मेरी शादी क्यों नहीं, मैं दुनिया में क्या आम लेने आया हूँ? बात बता शकील, तुमको तो देखने लड़की वाले आए थे, बात तो हो रही थी। वो बड़े जाहिल कमीनी लोग हैं यार। क्या हुआ? लड़की वाले आए मुझे देखने लगे, चारों तरफ से देखा, देखने के बाद कह रहा भाई देख लिया अब दफना दो। तुम्हारी शादी का क्या हुआ? भाई मुझे भी देखने लड़की वाले आए थे। हाँ मुझे तो पसंद कर लिया उन्होंने, लेकिन अल्लाह माफ़ करे सत्यानाश जाए उस लड़की का, मैंने लड़की को देख लिया, ये जापानी सुमो रेसलर, ये मोटी। मैंने कहा भाई मैं मारुति 800 तक चला लेता हूँ, ये ट्रक मेरे बस की बात नहीं है। अरे यार ट्रक से याद आया, वो ट्रक कहाँ है? अरे वो ट्रक वो सुनील सावरा। क्या नाम उसका? सुनील सावरा। सावरा क्या मतलब? सावरा मतलब सावला। नाम ही गलत है। क्या हुआ? उसका नाम होना चाहिए सुनील ऑफ वाइट। ऑफ वाइट बल्कि सुनील ब्राउन। उसका क्या नाम है? किरण करमारकर। उसका नाम सही है। कैसे? कर मर करके 90 एपिसोड तक आया वो। और 90 एपिसोड ने सुनील ने ट्रक उसी पे चढ़ा दी, आउट कर दिया उसको। उसका नाम सही है किरण कार मार कर। क्या बात है, सही बात है। हाँ हाँ, और तेरा बिल्कुल ख्याल ठीक है। हैं शकील एक बात बता यार। हाँ। ये ख्याली चीज क्या है? वो चीज नहीं है, चीज तो उसके साथ घूम रही है। बताइए। माशाल्लाह कितनी लंबी है। अरे जहाँ यहाँ तो शुरू होती खत्म नहीं होती, ऊपर किसी दिन छत फाड़ देगी घर का। इसकी शादी कहाँ होगी? किसी खंबे से ही होगी अब तो। हैं? मुझसे मिलो मिस्टर खंबा। अल्लाह माफ करे तुम्हारे जैसे खंबे से नहीं होगी, फिर किसी VIP खंबे से होगी उसकी शादी। VIP ये अपने मुंह के खिलाफ ही नाम रख लिया। क्या बात कर रहे हो शकील? अच्छा बताओ बताओ क्या नाम होना चाहिए इसका? इसका नाम होना चाहिए था, इसका नाम ही नहीं होना चाहता। इधर आ बे, चल बे, निकल इधर आ, चल जा। अल्लाह माफ करे जब ये पैदा हुआ था ना। ये भी पैदा हुआ था? बिल्कुल पैदा हुआ था। ये जब पैदा हुआ था ना शकील, दाई ने माँ से कहा बहन तुम्हारे घर में तो चांद हुआ है, चांद। तब ये नहीं बताया उसने कि अमावस का चांद हुआ है। जब ये पैदा हुआ है ना तो घर वालों ने दाई से पूछा बहन कितने पैसे हो गए, मतलब पैसे दफा करो, कोई अच्छा साबुन दो, हाथ धुलवाओ मेरे पास। ये तो माशाल्लाह देखो पेट भर के काला है। हाँ। ये एक दिन सो रहा था, इसके मुंह पे 40,000 वोल्ट का बल्ब जल रहा था। बताइए। डाकू आ गए फिर भी माचिस जला के देख रहे, जाग रहा है सो रहा है। शकील भाई जो भी कहो, दिल का साफ आदमी है, दिल का राजा। दिल का साफ होना चाहिए, तन का काला चल जाता है, मन का काला नहीं चलता। बहुत नेक बच्चा, बहुत साफ आदमी, बहुत नेक बच्चा है। इसके घर में मस्जिद की पंखे लगे हुए नहीं? बिल्कुल। ये एक ख्याल से मेरे को एक और, छोड़ो यार। हाँ। छोड़ो छोड़ो, औरतों की बात करते हैं यार। हाँ, काशफीन और असगरी की। शकील भाई गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो, दोनों मर्द है माशाल्लाह। अबे ये सिर्फ 3 एपिसोड तक मरते हैं, बाद में ये लोग औरत निकले हैं। आज तक औरत ही है। अबे ये तो जू पे घूमते हैं साड़ी पहन के दोनों। देखो तो सही, वो काशिफ इसकी मुछे देखो,
रेस दो आगे को भागता है ये। अच्छा आज माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा किया काशिफ ने, बहुत अच्छा किया काशिफ ने बतौर मर्द। एक औरत के लिए मर्द का किरदार निभाना बहुत मुश्किल है शकील भाई, माशाल्लाह क्या बात है। एक और औरत की बात करते हैं, यहाँ बैठी हुई माशाल्लाह ये जूलियट जो है, क्या बात, उर्वशी है। आप तो बहुत डरते हैं उर्वशी से शकील भाई, मैं तो बहुत डरता हूँ। नहीं मैं नहीं डरता भाई, मैं इज्जत करता हूँ, 6 साल बड़ी है मुझसे। अल्लाह माफ करे शकील भाई, मैंने तो सुना है कि 20-22 साल बड़ी आपसे। बस यार मैंने लिहाज किया ना उसका। अब शकील तेरे बारे में बात करता हूँ। अरे तेरे बारे में क्या बात करूँ शकील, सत्यानाश जाए तेरा। तेरी मूछें देखी तूने, ऐसा लगता गन्ना छिलने वाला चाकू। शकील तेरी मूछें देखी तूने, ऐसे लगता कि छोटे बच्चे की चड्डी टांग दियो। अब ऐ शकील तेरी मूछें देखी, अल्लाह माफ करे तेरी मूछें ऐसी हैं, ऐसा लगता है होंठ पे पर्दा पड़ा हुआ है। शकील तेरी मूछें देखी, अल्लाह माफ करे, ऐसे लगता है किसी औरत ने 3 साल से थ्रेडिंग नहीं करवाई है, मूछें उड़वाई है तुम्हारी। अबे तू जब पैदा होता ना शकील, इतना बारीक था, इतना दुबला था, लोगों से पूछा बहन क्या हुआ था, बोले बहन ऐसे वहम सा हुआ है, अभी पता नहीं लग रहा है। इतना तो कोई आई है, फिर 3 दिन बाद मिठाई खिलाया फिर लोगों को, बोला हाँ भाई कुछ हुआ, हमने नमक डाला था तो हिला था थोड़ा सा। बताइए। अरे ओहो, आइए आइए। हेलो, वो गाड़ी उधर नहीं जाएगी? ड्राइवर पीछे खड़े हुए हैं दोनों। माशाल्लाह आइए आइए। ऐसे क्या बाल कटवाने बैठी हुई है? इतना सा मुंह है, माइक से छुप गया। इतना सा ब्रश लगता है उसको, इधर यूं किया मेकअप हो गया इसका। देखो एक ये मुंह है, एक हमारी अर्चना जी का मुंह है। माशाल्लाह ऊंची लेती बड़ी वाली, वो बिल्डिंग वाली, बिल्डिंग पेंट करने वाली। मैं तो कहता हूँ शकील भाई, अर्चना जी के मुंह का अगर खुला करवाए ना तो श्रुति जैसे 10-12 मुंह निकला है। आ जाइए आप भी, आइए आप, अभी तो बाकी है, बीच में आइए आइए, माशाल्लाह आइए आइए। ओ हो 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 हो, एक मिनट, इसके पहले कि आप लोग कुछ कहें, ऑडियंस में प्रोड्यूसर बैठे हैं, मैं बस उनको बताना चाहती हूँ कि इस एपिसोड के मैं 3 चेक लूंगी। अच्छा। क्योंकि एक तो उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन में धज्जियां उड़ाई और अब यहाँ पर दो मिलकर एक साथ बजाएंगे, तो आप प्लीज मेरे 3 चेक रेडी रखिए। 3 चेक मिलेगा, 1 कैश हो जाएगा, 2 का बैंक ढूंढ लेना। श्रुति जी इधर बीच में आ जाइए जरा, आइए। इमली का बूटा भेरी का पेड़, लड़की अकेली मिल के घेर। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, ऐसे जो लगता बाजू छुपा, जो ऐसे शकील भाई ऐसे नहीं लगता जैसे कान में शैंडेलियर पहन के आई हो। क्या बात है माशाल्लाह। मुझे क्या कह रही हो, मैंने सिखाया क्या? मुझे क्या कह रही हो, शकील तो वो है, शकील वो है, आज वो शकील है, मैं जलील हूँ वो शकील है, मैं जलील हूँ वो शकील है, वो शकील है, वो शकील है, वो शकील है। 1 मिनट यार मैं मूछें निकाल के दे देता हूँ, ये शकील है। माशाल्लाह आज भी बड़ी हवादार ड्रेस पहनी। वैसे पता नहीं ऐसा लगा किसी पठान का रक्षा तैयार खड़ा हुआ है। बालों में क्या पटाखे चला के आई हो? आप मुझे एक बात बताइए कि इन्हें अकेला बंद करना मेरे लिए इतना नामुमकिन है, आज दो है, मैं इनको कैसे चुप करूं? सचिन जी आप बोलिए। चार्ली चैपलिन जी जब जो बहुत महान कलाकार थे, जो हैं भी कलाकार बहुत बड़े, उनके बारे में कंपटीशन हुई थी कि चार्ली सबसे ज़्यादा कौन बन सकता है, नकल कौन कर सकता है, तो उसमें खुद चार्ली साहब भी शामिल हुए थे किसी और नाम से, और जब वो कंपटीशन हुई थी तो चार्ली चैपलिन खुद नंबर 3 पे आए थे। मतलब उनसे बेहतर जो थे वो उनको इतना आत्मसात कर चुके थे, पी चुके थे, कि वो उनसे बेहतर नंबर 1 और नंबर 2 पे आए, और मेरे ख्याल से शकील आज बेहतर स्वप्नी लाभ थे। आप शकील जो आपने किया वो खुद शकील से बेहतर किया। Wonderful, yes. और अगर ये स्वप्निल करेंगे कल तो वो आपसे बेहतर होंगे। इतना सब कुछ कहने के बाद, आई मीन वट एवर ही सेड, डिटो शकील, तो अब मैं आप दोनों को बोलूंगी, शकील आई वांट टू टेक बोथ ऑफ यू होम। थैंक यू सो मच। मुझे ये खुशी है कि मैं एक शकील तो मैंने दे दिया हिंदुस्तान को। थैंक यू भाई। और एक स्वप्निल लेके मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। तुम पीछे से क्या एंजॉय करो इधर। हाँ जी,
Shutter down. Thank you. Presenting the icing on the cake, Jodi Sudha Chandran and Shailesh Lodha. Hi, hi, hello, hello everybody. Hi Archana ji, hi Sachin ji. Hi. मैं हूँ सुधा चंद्रन. भाई मेरा पार्टनर कहाँ रह गया? दिल आँखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है. वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है. और तुम खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो तो भी क्या होगा, वो सूरज है उसे सारा जमाना देख सकता है. How are you? This is Shailesh. और ये पुरानी हवेली उस पर नई पुताई और ये लालटेन भी लगाई. उफ, 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 मेरी बात छोड़ो शैलेश, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि कबड्डी के खिलाड़ी को सूट पहना दिया हो. एक मिनट, तुम अपने इस मुंह पर ये टूथब्रश क्यों लटका के घूम रहे हो भाई? ये टूथब्रश नहीं है, ये मेरी मूछें हैं और ये मेरी आन है, मेरी शान है, मेरी जान है. इसके बारे में कुछ मत कहना, ये उतनी ही खूबसूरत है जितने तुम्हारी खूबसूरत जुल्फे. हाय हाय, जुल्फों की तारीफ करना कोई मर्दों से सीखे. देखो हमारी तारीफ को ज्यादा सीरियसली मत लेना, हम मर्द बहुत दो कौड़ी के होते हैं. है ना अर्चना जी, हम बहुत दो कौड़ी के होते हैं. हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाना मुंह पे खींच के मारते हैं. वैसे हम तुम लोगों को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेते हैं. अच्छा, घर से बाहर निकलते हो तो कहते हो भाई हम तो शेर है. हाँ? घर आते हो और बीवी तुमसे कहती है कि तुम उल्लू हो, इडियट हो, तो गर्दन कैसे हिलाते हो? हाँ तो टेक्निक है ना, टेक्निक है, हिलाते हैं. पंगा कौन ले, और औरतों से तो शादी के बाद पंगा लेना ही नहीं चाहिए. मैं एक बार सचिन भाई, रात को भयानक तूफान बारिश, रात को 2:30 बजे एक मिठाई वाले के यहाँ गया. मैंने कहा 5 रुपए की दही दे दे. मिठाई वाले का तेरी शादी हो गई क्या? मैंने कहा तू क्या सोचता है, तूफान में मेरी माँ भेजेगी? तब से मैं तो कुछ खरीदने जाता ही नहीं हूँ. खरीदने की बात तो तुम छोड़ ही दो, तुम तो पूरे मारवाड़ी हो. हैं पक्के? फोटोग्राफर के पास जाओगे और उससे कहोगे भाई साहब पासपोर्ट साइज की ऐसी फोटो खींचना जिसे मेरे जूते भी नजर आए. अच्छा मारवाड़ी ऐसे नहीं करता, फोटोग्राफर भी उसका बाप होता है, कहता सर पे रख ले दोनों आ जाएंगे. और हम खरीदने के नहीं बेचने के भी एक्सपर्ट हैं. हम तो टूटे फूटे भी हों तो माल बेचते. एक जगह बोर्ड लगा हुआ था सेल्समैन चाहिए, क्या बेचनी है? बोले रामायण बेचनी है. एक मारवाड़ी चला गया बोले मैं भी बेचूंगा. अबे बोले टेक्निकल फॉल्ट, खुद से तो खुद बिक नहीं रहा है, रामायण का खाक बेचेगा? बोले नहीं मारवाड़ी हूँ बेच दूंगा. शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के लाया. बोले कमाल कर दी यार तूने, कैसे बेची? बोले मैं लोगों के घर गया, घंटी बजाई, रामायण दिखाई, बोला खरीदता है कि सुनाऊं? अच्छा हम तो कुछ भी बेच दें. अच्छा ठीक है, रामायण की बात कर रहे हैं ना, करते हैं. उससे कुछ सीखा तुमने? बहुत. कितनी महान औरत है सीता जी. हाँ सीता जी, उनके पति को वनवास हुआ तो उनके साथ साथ जंगल तक पहुंच गई. देखो भाई ऐसा है, सीता जी बहुत महान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन बहू के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है. घर में 3-3 सासू होना तो जंगल ही ठीक है. और वो भी जो सासू आजकल के जैसी. है ना, गब्बर सिंह को अपने डाकुओं को डराना होता है तो कहता है सो जाओ और नहीं तो वो है ना बिंदी की फैक्ट्री आ जाएगी. और वो बा 105 नॉट आउट. 105 अभी तक खेल रही है, पिच खुद गई, उस सास की सास नहीं छूट रही है. बा की सासों की बात छोड़ो, अरे तुम लोग तो खुद सोच सोच कर सास खींचते हो, खर्च करते हो, जोक्स भी सुनाते हो ना, तो वो जो पंच लाइन्स है ना उसे भी रोक कर रखते हो कंजूस कहीं के. गाली दे रहे हो? नहीं नहीं गाली नहीं दे रहा, मारवाड़ी हूँ, दे तो सकता ही नहीं ना. कुछ भी दे तो सकते ही नहीं. मेरे से निकलवा लो तुम अठन्नी. मेरे घर पे एक बार एक लड़का स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने आया, मैंने 2 बाल्टी पानी टिका दिया. मैंने कहा इससे ज्यादा क्या लगा? एक आया मेरे यहाँ बोले पैसा चाहिए. मैंने कहा किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है. मैंने कहा बदतमीज आदमी खड़ा हो, कहाँ के लिए पैसा मांग रहा है? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जा जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता. काय का पैसा?
पैसा ऐसे दिया जाता है क्या? सोच समझ के खर्च करते हैं। अरे हम तो अक्षर तक वेस्ट नहीं करते। वो बच्चन साहब वो गेम शो में पूछ लिया, मारवाड़ी सामने फंस गया, बताओ लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। मारवाड़ी बोला बी 9। बच्चन साहब बोले लॉक कर दूं? बोले जल्दी कर दे वरना उसका कोई भरोसा नहीं है, एक मिनट में आंसर गलत कर देगा। ओफो, तो मारवाड़ी लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत डिसेंसी हम साउथ इंडियन से सीखा करो। देखो ऐसा है, हम पैसों के लिए नहीं ऐसा कुछ कर सकते, पैसों से अलावा भी हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, वो कहता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। बात तो तुम्हारी सच्ची है, बात तुम्हारी भी सच्ची है। तो फिर ये कहें कि ना नॉर्थ इंडिया ना साउथ इंडिया, ओनली इंडिया, तो चक दे इंडिया। आइए श्रुति जी, सबसे पहले वेलकम टू कॉमेडी सर्कस एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी वेरी एंटरटेनिंग पीस। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू शैलेश, थैंक यू वेरी मच। एंड अब आपसे मैं क्या पूछूं, लेकिन आपको हमारी ये आज की सरप्राइज जोड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत बढ़िया सुधा, शैलेश, आप दोनों बहुत बढ़िया थे। शुक्रिया। आप दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। नॉर्थ और साउथ का मेल आपने जिस तरह से किया, कॉन्फ्लिक्ट एक पैदा करके और फिर दोनों एक साथ होकर अपनी नेशन को जो है वो बहुत सशक्त और पुख्ता बनाने की जो एक आइटम आपने पेश की, बहुत ही खूबसूरत एक्ट था आपका। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। Sudha, so lovely to see you again. Thank you so much. And so lovely to welcome you on this stage for the first time. Shailesh, welcome to you also on Comedy Circus. There was so much chemistry, so much comfort. आप दोनों ने पहले एक दूसरे के साथ परफॉर्म किया है? जी नहीं, आज पहली बार। आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। Oh my God, so it's really fantastic. हमारी chemistry और physics हमेशा अलग अलग है। हालांकि तुम्हारी जो physics geography थी वो मतलब north और south की जो थी, वेरी लवली। और एक जो फ्रेशनेस आप स्टेज पर लाए हैं, दैट इज रियली वंडरफुल। एंड सुधा, आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू एज अ लेडी, आई मस्ट से दैट यू लुकिंग गॉर्जियस। और आपकी जो बिंदी की दुकान आपने बुलाया, बहुत बढ़िया, लवली पंच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेल डन बोथ। वैसे मैं भी बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ ये मैं परमीत का फोन आ रहा है। Thank you, Jodis, and can you please come up on stage? So, ladies and gentlemen, अब तक laughter was the best medicine, लेकिन comedy circus लगे रहो से अब ये staple diet बन गया है। अगले हफ्ते शनिवार रात ठीक 9:30 बजे अपनी candlelight dinner की appointment fix रहेगी। comedy circus लगे रहो की थाली में stand up delicacies परोसकर आपके लाफ्टर एपेटाइट को बढ़ाने के लिए हम सब फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शबा खैर।